हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नागपुर महानगर पालिका के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। लक्ष्मीनगर जोन में कामगार नगर UPHC, कामगार कॉलोनी सुभाष नगर एवं जयताला UPHC, जयताला में आज कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध है। धर्मपेट जोन में फुटाला UPHC, अमरावती रोड गली नंबर 3, सुदाम नगर UPHC, पांड्रावोड़ी हिलटॉप, केटी नगर UPHC, केटी नगर हजारी पहाड़ UPHC, हजारी पहाड़ डिस्पेंसरी, VIP रोड धर्मपेट एवं इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर में आज कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध है। हनुमान नगर जोन में मानेवाड़ा UPHC, शाहूनगर नरसाला UPHC, नरसाला हुड़केश्वर UPHC, हुड़केश्वर में आज कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध है। इसी तरह धंतोली, नेहरू नगर, गांधीबाग, सतरंजीपुरा जोन, लकड़गंज जोन, आसीनगर जोन और मंगलवारी जोन में मनपा के टीकाकरण केंद्रों में आज कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव में न आए। कौन राज्य की सत्ता में है और केंद्र की सत्ता में, ये सोचे बिना निष्पक्ष रूप से काम करे, इस आशय के विचार राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को सिविल लाइन्स में तैयार हुए शहर पुलिस के नए पुलिस भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने पुलिस महासंचालक रजनीश सेठ का नाम लेते हुए पूरे विभाग को कड़ाई से कहा कि किसी को राजनीतिक दबाव में आने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र पुलिस का अपनी कुशल कार्यप्रणाली और वीरता के लिए देशभर में नाम है, ये नाम बना रहना चाहिए। बिना किसी दबाव प्रलोभन के मुनासिब कार्रवाई करे। समारोह में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार, राज्य मंत्री सतेज पाटिल, राज्य मंत्री शंभुराज देसाई, पुलिस महासंचालक रजनीश सेठ, राज्य पुलिस गृह निर्माण व कल्याण महामंडल के महासंचालक विवेक फणसलकर, अपर पुलिस महासंचालक अर्चना त्यागी, शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार समेत सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष कोविड काल के बावजूद सरकार ने पुलिस भवन के निर्माण में निधि की कमी नहीं हुई। जटिल और बोझिल प्रक्रिया को तिलांजलि देने के लिए नई तकनीक का अवलंबन करते हुए करदाताओं के लिए अनुकूल, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ कर प्रणाली तैयार की जानी चाहिए, इस आशय के विचार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शहर में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर एकेडमी NADT में भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों की 74वीं बैच के प्रशिक्षण के समापन समारोह में शुक्रवार को मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। इस समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राज्य ऊर्जा मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष JB मोहपात्रा, केंद्र के प्रधान महासंचालक प्रवीण कुमार व अन्य अधिकारी तथा नेतागण उपस्थित थे। कर प्रणाली को सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय राजस्व सेवा के माध्यम से प्रत्यक्ष करों का संकलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, उसे करदाताओं के अनुकूल तरीके से संग्रह करने की आवश्यकता है। सरकार ने हाल के दिनों में कुछ अच्छी पहलों के माध्यम से करदाताओं के लिए कर अनुकूल प्रणाली बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि करदाता और कर प्रशासक के बीच परस्पर संवाद, विश्वास, पारदर्शिता और परस्पर आदर की भावना से साध्य किया जाना आवश्यक है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और कुछ लोग बेवजह इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने त्रिपुरा में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले साल नवंबर में अमरावती और मालेगांव क्षेत्रों में हुई अप्रिय घटनाओं और तनाव का हवाला देते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व राज्य में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व तब राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगा रहे थे और अब बेवजह इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री ने पुलिस को शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों के खतरों को समाप्त करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर राज्य में 87 पुलिस इकाइयों के लिए नए भवनों का निर्माण किए जाने के गृह मंत्रालय के निर्णय पर भी प्रकाश डाला गया। हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों से उठे विवाद के बीच प्रसिद्ध वकील उज्जवल निकम ने कहा कि औपनिवेशिक काल के इस सख्त कानून को तभी लागू किया जाना चाहिए जब मामला मजबूत हो, आरोपी के खिलाफ ठोस और विशिष्ट सबूत हो। राणा दंपत्ति पर राजद्रोह और शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं।
हाल ही में पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की उनकी घोषणा के बाद गिरफ्तार किया था। अनेक महत्वपूर्ण मामलों में सरकारी अभियोजक रहे निकम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अधिकारियों के पास राजद्रोह के आरोप में आरोपी के खिलाफ ठोस और विशिष्ट सबूत होने चाहिए, तभी मामले को गंभीरता से लिया जा सकता है। उन्होंने तो यह सवाल भी उठाया कि किसी लोकतांत्रिक देश में कानून की किताबों में क्या राजद्रोह का अपराध रहना चाहिए, जिसमें अधिकतम सजा उम्र कैद की हो सकती है। निकम ने कहा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने भारतीयों को अपने खिलाफ विद्रोह से रोकने के लिए राजद्रोह के आरोपों का भरपूर इस्तेमाल किया था। दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल दर्डा की जन्मशती के अवसर पर भारत सरकार 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगी। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से 26 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की गई। जवाहरलाल दर्डा की 100वीं जयंती पर 2 जुलाई 2023 को स्मारक सिक्का जारी किए जाने की उम्मीद है। स्मारक सिक्का होने के चलते इसे बाजार में नहीं उतारा जा सकेगा। सिक्का जारी होने के बाद इसे भारत सरकार की टकसाल द्वारा बेचा जाएगा। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के पूर्व पीआई सुनील गंगुल्डे नियुक्त हुए थे। कुछ ही महीनों में वे सेवानिवृत्त हो गए। उनके बाद नए पीआई भीमा नरके के नियुक्त होने पर उत्तर भारतीय सभा वाड़ी द्वारा उनका स्वागत किया गया एवं उन्हें यह निवेदन दिया गया कि हिंगना क्षेत्र में ट्रैफिक को सुचारू रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक ट्रैफिक के चलते नागरिकों को काफी समस्याएं होती है। इस अवसर पर उत्तर भारतीय सभा वाड़ी अध्यक्ष प्रवीण सिंह, उपाध्यक्ष सुष्मित सिंह, दयाशंकर मौर्य, अमित दुबे, राहुल भसीन, विपिन सिंह, पुष्कर सिंह, धनंजय सिंह राजपूत ने नवनियुक्त पीआई नरके का स्वागत किया। हाल ही में इंटेक नागपुर चैप्टर ने विश्व विरासत दिवस के अवसर पर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। विरासत दिवस के अवसर पर इंटेक नागपुर चैप्टर ने काशीबाई मंदिर परिसर में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। वॉक का आयोजन जेसीआई नागपुर जूनियर जेसीविंग के सहयोग से किया गया। काफी संख्या में विरासत के प्रति जागरूक लोगों ने इस पहल में हिस्सा लिया। नीतिका रामानी, इंटेक नागपुर चैप्टर की सहसंयोजक, ने हेरिटेज वॉक का संचालन और नेतृत्व किया। उन्होंने प्रतिभागियों को नागपुर के इतिहास, भोसले परिवार और इतिहास के बारे में जानकारी दी। प्रत्येक छतरी के साथ स्थापत्य शैली का विकास, इसके अस्तित्व का महत्व और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता पर रामानी ने प्रकाश डाला। नीतिका रामानी ने प्रतिभागियों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया और वॉक को और अधिक रोमांचक बना दिया। विरासत संबंधित जागरूकता फैलाने और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। जेसीआई ने सफलतापूर्वक वॉक आयोजित करने के लिए इंटेक नागपुर चैप्टर को धन्यवाद दिया और विशेष रूप से नीतिका रामानी के प्रति प्रतिभागियों को प्रेरित करने के लिए आभार व्यक्त किया गया। जय गणेश अम्बा दुर्गा काली माता मंदिर संतरा मार्केट भोईपुरा नायकवाड़ी में माँ काली का पूजन उत्साह व धार्मिक विधि भक्तिभाव से किया गया। सर्वप्रथम पूजन खुशालचंद नायक व भैयालाल नायक ने किया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि पूर्व पार्षद रमन पैगवार, दीपक पटेल, आशीष दीक्षित, रवि गौर, गोपाल पट्टम, दिलीप भूरे, अनिल गुप्ता, किशोर गौर, बंसी गौर, नरेश गौर, देवराव कृपाल, राज चौधरी, गोविंद जोशी, प्रकाश प्रजापति तथा नायकवाड़ी सर्वश्री सतीश, हरीश, मनीष, मनोज, राकेश भूला, प्रहलाद नायक, सागर बाइस्कर आदि उपस्थित थे। नायकवाड़ी के सभी बच्चों और महिलाओं ने सहयोग किया। मराठी और हिंदी साहित्यकार को दिया जाने वाला महाकवि भास्कर सुमन ज्ञानपीठ पुरस्कार महानगर के वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार डॉ. बालकृष्ण महाजन और डॉ. द्विवेदी को हाल ही में कई मान्यवरों की उपस्थिति में दिया गया। सीताबर्डी स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सभागृह में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी एवं गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे। कागज की घटती रद्दी, पेपर पल्प की कमी और आयात पर केंद्र सरकार की नीति के कारण निकट भविष्य में कागज की कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना है और ये चिंता का विषय है। इस आशय के विचार फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मित्तल ने व्यक्त किए। दीपक मित्तल ने हाल ही में द पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन नागपुर कार्यालय का दौरा किया। FPTA के राष्ट्रीय सचिव भावेश गाला, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजन आयोत्रा के साथ PTA अध्यक्ष आशीष खंडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष ललित सूत, सचिव हर्षित भंसाली, संयुक्त सचिव किशोर खुशलानी, नाम निर्देशित अध्यक्ष असीम बोरडिया,
सभी पूर्व अध्यक्ष महेश खंडेलवाल, प्रमोद भार्गव, नरेंद्र जैन, विजय खंडेलवाल, राजेश खंडेलवाल, मनोज बिरला, सतीश आहूजा और प्रबंधन बोर्ड के सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। FPTA के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मित्तल ने कहा कि कागज उद्योग से संबंधित उत्पादों जैसे अखबार के कागज, स्कूल की किताबें, स्टेशनरी, पैकेजिंग आदि की कीमतें तेजी से बढ़ेगी और उसमें भविष्य में उलटफेर की संभावना नहीं है। यह बेहद चिंता का कारण है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक लुगदी उत्पादन में भारी गिरावट आई है और अधिकतर पेपर मिलों को बंद कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 67वां रेल सप्ताह समारोह मंडल स्तर पर आज मंडल मंडप मोती बाग में आयोजित किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। भारत में पहली बार रेल का शुभारंभ 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य रेल चला कर की गई थी। इस ऐतिहासिक घटना की याद में प्रतिवर्ष रेल सप्ताह मनाया जाता है। रेल सप्ताह समारोह में रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विगत वर्ष 2021-2022 के किए गए उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। 67वां रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर आज नैरो गेज रेल संग्रहालय मोतीबाग में एक दिवसीय रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल पर अपने अपने विभागों तथा रेलवे से संबंधित उपलब्धियों, नवाचारों, नई नई तकनीकों व रेलवे की विरासत से संबंधित प्रदर्शनी को प्रदर्शित की जाएगी। ये प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक आगंतुकों के अवलोकन हेतु खुली रहेगी। नगर की सुप्रसिद्ध सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था ज्येष्ठ मित्र मंडल के तत्वावधान में जरीपटका स्थित मातेश्वरी भवन में हो जमालो सिंधी संगीत महफिल का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना मंडल के अध्यक्ष अर्जुन दास आहूजा ने रखते हुए कहा कि सिंधी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्ष में मंडल द्वारा एक सिंधी संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष घनश्यामदास कुकरेजा ने अपने व्यक्तित्व में मंडल को सराहा। संचालन मंडल के महिला प्रमुख संगीता दलवानी ने किया। तत्पश्चात मंच संचालिका प्रीति केवल रामानी को मंच सुपुर्द किया। आगे का मंच संचालन प्रीति द्वारा किया गया। गायक कलाकारों में महेश लालवानी, संजय चावला, अरुणा टहलियानी, अंशिका व मानसी टहलियानी, नीतू केवल रामानी ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी। गायकों ने किया रिझाया तोखे, लखनजी लाटरी जैसे गीत गाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वादक कलाकारों में कीबोर्ड पर राजू काले, वायलिन पर सुमंत गहनकर, ढोल पर अर्जुन सिंह, तबले पर शैलेश देवगढ़े, ऑक्टोपैड पर प्रदीप गजबीये, गिटार पर राकेश वानखेड़े आदि ने साथ दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए एक पत्र में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनसे भारत में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के खिलाफ सख्त और तत्काल जांच करवाने का आग्रह किया है। अभी दो दिन पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हीरोइन एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति का रैकेट नई दिल्ली में पकड़ा है, जिसमें ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के मिले होने की संभावना है, जिसकी सच्चाई का पता जांच से ही चलेगा। कैट ने कहा कि NCB द्वारा भंडाफोड़ किए गए इस रैकेट में हीरोइन फ्लिपकार्ट के पैकिंग में बरामद हुई है और इस नाते से फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स पोर्टल की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो NDPS अधिनियम की धारा 20B के तहत दंडनीय होगा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया, राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल तथा राष्ट्रीय सचिव सुमित अग्रवाल ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब्त की गई हेरोइन और अन्य सामान मीडिया पर उपलब्ध वीडियो और तस्वीरों के अनुसार फ्लिपकार्ट पैकिंग में दिखाई दिए हैं, अतः कंपनी की भूमिका की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रवार सुबह 7:45 शनिदेव ने अपनी स्वयं राशि कुंभ में प्रवेश किया है। इसी गोचर के चलते शहर के प्राचीन व सिद्ध शनि मंदिर लोहापुल में 101 अखंड मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की गई है। इस अवसर पर अनेक भक्त मंदिर में उपस्थित रहे। शनि मंदिर के पंडित चंद्रेश शर्मा ने बताया कि शनि अमावस्या व शनि पालट के अवसर पर विशेष ज्योत एवं मूर्ति अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। इसी दिन भगवान शनिदेव का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, साथ ही महाआरती भी होगी। अमावस्या होने पर अद्भुत संयोग इस वर्ष बन रहे हैं। मकर, कुंभ, मीन, वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि के इस गोचर का प्रभाव पड़ रहा है। अधिक जानकारी के लिए पंडित चंद्रेश शर्मा से श्रद्धालुगण संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए मंदिर के सभी पुजारी प्रयासरत हैं। नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त के निजी सहायक ललित राव 38 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। मनपायुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन भी ने उन्हें शॉल, नारियल, गुलदस्ता और उपहार देकर अभिनंदन किया। मनपायुक्त सभागार में सादगी से आयोजित एक कार्यक्रम में मनपायुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन भी, अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना
उपायुक्त निर्भय जैन, रविन्द्र भिलावे, मिलिंद मेश्राम, सहायक आयुक्त प्रकाश वैराडे, अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, कार्यकारी अभियंता श्वेता बॅनर्जी, सहायक संचालक नगर रचना विभाग प्रमोद गावंडे, उप अभियंता राजेश दुफारे, स्वप्निल लोखंडे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी ने ललित राव के कार्यों की सराहना की। मनपा आयुक्त ने राव के स्टाइल की तारीफ की। उनके कार्यकाल में पिछले 1.5 साल में शांति से और संयम से काम करते हुए दिए गए काम को समय पर पूरा करना, गलतियों को दोबारा न दोहराना, हमेशा वक्त पर मौजूद और तैयार रहना आदि गुणों के बारे में मनपा आयुक्त ने जिक्र किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उपायुक्त निर्भय जैन ने भी ललित राव की कुशल कार्य प्रणाली की प्रशंसा की। मनपा आयुक्त कार्यालय के कार्यों को अनुशासित एवं समन्वित ढंग से संचालित करने का श्रेय राव को ही जाता है। जरीपटका स्थित श्री कलगीधर सत्संग मंडल में कल रविवार 1 मई को गुरु नानक देव जी की ज्योत दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 8:30 बजे व शाम 4 बजे से 6 बजे तक श्री जपूजी साहिब व श्री सुखमानी साहिब के सामूहिक पाठ के साथ होगा। तत्पश्चात संयोजक एडवोकेट माधव दास ममता ने गुरु अंगद देव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम का समापन आरती, 11 गुरुओं व दसम ग्रंथ में वर्णित आदिशक्ति भवानी माता की स्तुति, अरदास व प्रसाद वितरण के साथ होगा। संयोजक एडवोकेट माधवदास ममतानी ने बताया कि गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को गांव मते की सराय मुकतसर जिले में हुआ था। गुरु अंगद देव गुरु नानक देव जी की गद्दी के दूसरे स्वरूप है। गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के हर हुक्म और आज्ञा को सत्य कर माना, इसलिए उन्हें हुक्म मानने का स्वरूप भी माना जाता है। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी पंजाबी लिपि का प्रचार प्रसार किया तथा गुरु नानक देव जी के जीवन काल का पूरा इतिहास संग्रहित कर भाई पेड़ा मोखा से लिखवाया, जिसे आज जन्म साखी के नाम से जाना जाता है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में आज एक महोत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्य कार्यक्रम शाम 6 बजे होगा। उत्सव का आयोजन सेवानिवृत्त पुलिस बहुजन परिवार बहुद्देशीय विकास संगठन द्वारा अलंकार बहुद्देशीय हॉल पुलिस मुख्यालय नागपुर में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बुद्ध वंदना और भीम बुद्ध गीतों और रंगोली प्रतियोगिता के साथ साथ बच्चों के लिए नृत्य प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम होगा। शाम 6 बजे मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार एवं सद्धम्म प्रचार केंद्र अमरावती, महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्य प्रवर्तक आचार्य बीसी वानखेड़े प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी जीवराज दाभाड़े, राजरत्न बंसोड़, साहेबराव जाधव, भरत ठाकरे, राजकमल वाघमारे, किशोर नगराले, मनोज कालबांडे, महेश चौहान और अमित डोलस विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। महोत्सव का संचालन रज्जू तिवारी करेंगे। अमन बैंड्स एंड इवेंट ग्रुप की तरफ से शाम 7 से 10 बजे तक महोत्सव के दौरान बुद्ध भीम गीतों का ज्ञानवर्धक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संगठन ने सभी बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों से इस उत्सव में शामिल होने की अपील की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शुक्रवार को सुबह नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए शहर में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT में भारतीय राजस्व सेवा की 74वीं बटालियन के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि थे। उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ऊर्जा मंत्री एवं पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, संभागीय आयुक्त माधवी खोड़े चौरे, एयर मार्शल PR मोहन, पुलिस आयुक्त मितेश कुमार, कलेक्टर आर विमला, विशेष पुलिस महानिरीक्षक छेरिंग दोरजे, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर उपस्थित थे। शहर में पुलिस भवन के उद्घाटन के सिलसिले में पहुंचे उप मुख्यमंत्री अजित पवार एवं गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की प्रमुख उपस्थिति में हुए कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने सराफा व्यापारी प्रतिष्ठान में हुई चोरी के सिलसिले में आरोपियों से बरामद माल को सराफा व्यापारी के सुपुर्द किया। उल्लेखनीय है कि शहर में 16 अप्रैल को सराफा व्यापारी की दुकान में हुई करोड़ों के जेवरातों की चोरी के संदर्भ में नागपुर पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि इस कार्रवाई में पुलिस ने 500 से अधिक CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग बारीकी से जांच की थी। इन आरोपियों से पुलिस द्वारा जब्त किए गए जेवरात व अन्य माल उप मुख्यमंत्री अजित पवार के हाथों संबंधित सराफा व्यापारी के सुपुर्द किया गया। इस पर पवार ने व्यापारी को सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप अपने संस्थानों में CCTV कैमरे लगाएं और अपने यहां का काम करने वाले हर व्यक्ति की पूरी जानकारी पुलिस को सौंपे। इस बार हमने 28 घंटे से पहले ही आरोपी पकड़ लिए, लेकिन अगली बार ऐसी परीक्षा ना ले। कार्यक्रम में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार एवं पुलिस आयुक्त मितेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा नेतागण मौजूद थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।